ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अमित, वीडियो में स्वागत है आपका। और आज का जो नया व्लॉग होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज के व्लॉग में मैं जो है आपको दिल्ली से बाहर ले जाने वाला हूँ। आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन की तरफ, जो कि कोटद्वार से 45-50 किलोमीटर के दूरी पे पड़ता है। पहले हम यहाँ से जाने वाले हैं कोटद्वार से फिर जो है हम लैंसडाउन के लिए जाएंगे। हम कोटद्वार पहुँचेंगे बाई बस से। तो उसका किराया जो कि है लगभग अभी जो चल रहा है वो लगभग 400 रुपये करीब किराया चल रहा है। तो बस का मैं बता रहा हूँ आपको। ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन की ना दो ट्रेन चलती हैं, एक सुबह 7 बजे के करीब जो कि ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन चलती है, और एक जो चलती है और सेम जो है ओल्ड पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वो चलती है रात के 9:45 बजे के करीब, जो कि आपको लगभग सुबह 4:30 बजे के करीब पहुँचा देती है। और जो सुबह वाली जो ट्रेन है जो 7 बजे चलती है, वो आपको लगभग 1:30 बजे के करीब ना दोपहर में पहुँचा देगी। तो टाइमिंग क्या है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है जब भी आप कोटद्वार जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको बताता हूँ कि कोटद्वार से जो है जीप मिलेगी और बस मिलती है, ये दो ऑप्शंस मिलती है जिसके थ्रू जो है आप लैंसडाउन की तरफ जा सकते हैं। और क्योंकि लैंसडाउन जो है ना पहाड़ी एरिया है, जैसे आप मसूरी जाते हैं या नैनीताल जाते हैं तो वैसे ही एरिया है। तो लगभग 1.25 घंटे का रास्ता तय जब आप पूरा करेंगे तो आपको जो है लैंसडाउन आएगा। तो गाइस, लैंसडाउन के बारे में बता देता हूँ कि लैंसडाउन जो है 1887 में जो है बसाया गया था। वहाँ पे जो वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लैंसडाउन, उन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है। और ये जो है बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है जो कि दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है। और क्योंकि आपको कोटद्वार आना होता है, कोटद्वार के बाद आप जो है वहाँ से फिर आप जो है किसी भी तरीके से आप वहाँ पहुँचते तो लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता आपको तय करना पड़ता है 1.25 घंटे के टाइम पे। तो ये जो हिल स्टेशन है बहुत ही बेहतरीन है। और लैंसडाउन का जो पुराना जो नाम था वो गढ़वाली नाम जो था वो कालू डांडा के नाम से बोला जाता था, जिसका मतलब होता है काले पहाड़। उसको बाद में जो है जो वायसराय थे उन्होंने जो चेंज किया उसको, तो फिर वो लैंसडाउन के नाम से आ गया। और ये बिल्कुल ही नेचुरल बना हुआ हिल स्टेशन है, तो जो कि बहुत ही प्यारी तरह से जो प्रकृति है उसको अपने साथ में समेटे हुए है। और ये जो है ना गढ़वाल राइफल्स का जो है गढ़ है, और आप देखेंगे कि इसके जो चारों तरफ जो पूरा एरिया बना हुआ है ना, वहाँ पे ना जगह जगह पर आर्मी के ऑफिसेस हैं, रेजिडेंट्स बने हुए हैं। और यहाँ पर जो है पुराने ही टाइम के, ब्रिटिश टाइम के ही काफ़ी सारी जो है जगह यहाँ पे बीच बीच में जो बनी हुई है 1.25 किलोमीटर के अंडर में। कुछ पुराने मंदिर भी है वहाँ पे, जो कि जब आप विज़िट करेंगे वहाँ पे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये व्लॉग जो होने वाला है ये लैंसडाउन के बारे में होने वाला है। तो कोटद्वार से थोड़ा बहुत मैं जो कोशिश करूँगा कवर करने की, अदरवाइज़ आपको सीधा जो है लैंसडाउन से ही मैं दिखाऊँगा आपको। तो वहाँ पर हम ठहरेंगे और साथ में टाइम भी बिताएंगे बढ़िया सा, और उसके बाद आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे हर चीज़ के बारे में। तो गाइस, वीडियो के साथ बनी रहिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके इसके बारे में। तो गाइस, चलते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, अभी मौसम जो है ना एकदम बेहतरीन हो चुका है। अभी हम अपने जो रूम है वहाँ से अभी बाहर निकले आगे जाने के लिए, जो 4-5 जो जगह है ना वहाँ पर जाने के लिए, और जो भी पहली जगह जो आती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूँगा। और गाइस एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए मेरे पीछे जो ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा ऑरेंज जो लाइट कलर जो दिख रहा है, ये एक्चुअली में जो ये चीड़ के जो पेड़ हैं इनके ऊपर में जो पत्तियाँ जो गिरती है ना उनसे यहाँ पे कलरिंग हो जाती है। देखिए नीचे चारों तरफ बिखरा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा, ये देखिए। और बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पर, ये कुछ ऐसी जगह नहीं है कि मसूरी या शिमला की तरह जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। देखिए, और ये बिल्कुल प्योर नेचर के करीब है, क्योंकि ये जो है ना आर्मी बेस्ड लोकेशन है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है सहेज कर रखा गया है। ये देखिए लिखा हुआ है, वृक्षों की रक्षा प्राणों से ज़्यादा, जीवों की रक्षा अटल इरादा। तो नेचर को काफ़ी प्रिजर्व करके रखा हुआ है यहाँ पर।
तो गाइस देखिए, ये वाला जो रोडर है ना, ये दिखा रहा है बुल्ला ताल के लिए, और ये उधर से यहाँ से जाता हुआ ऐसे रास्ता उधर जा रहा है। अभी बुल्ला ताल जो है उस साइड होगा, और देखिए गाइस उधर बिल्कुल सामने एकदम डेंस फोग आ गया है वहाँ पे भी, और बहुत अच्छा लग रहा है चारों तरफ। ये देखिए कैफ़े, यहाँ लिखा है आई लव लैंडस्टोन। तो ये देखिए गाइस, बादल जो है यहाँ पे चारों तरफ है, और एकदम बेहतरीन जो है एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे बन रहा है। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, पीछे जो है पूरा का पूरा एरिया जो है, ये देखिए यहाँ से लेके और ये पूरा एरिया यहाँ तक पीछे तक जो है पूरा, अभी बादल जो है वहाँ सामने से ऐसे आ रहे हैं, और बेहतरीन व्यू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। वो देखिए सामने वहाँ पे सारे चीड़ के जो पेड़ है वहाँ बने हुए हैं, और बहुत ही ऑप्शन जो है व्यू आ रहा है यहाँ पे। और गाइस ये साइन बोर्ड आ गया यहाँ पे सामने, 100 मीटर पे बुल्ला ताल शो कर रहा है जो उस तरफ है, और टिफिन टॉप जो है अभी अभी 1.5 किलोमीटर है, उधर बाद में जाएंगे, पहले बुल्ला ताल चलते हैं। और वो अभी लिखा है वहाँ पे बुल्ला लेक का साइन बोर्ड, तो आगे चलते हैं। और एक ये भी आ रहा है यहाँ पे, पैदल मार्ग चर्च पॉइंट, टिफिन टॉप और सनसेट पॉइंट, ये पैदल मार्ग है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो पहले बुल्ला लेक चलते हैं। और ये देखिए गाइस, चीड़ के पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं उसकी वजह से जो यहाँ पे कलरिंग हो रखी है ना पूरे के पूरे एरिया में, वो बिल्कुल ही अपने आप में देखने लायक है, और ये नेचुरल कलर आप बोल सकते हैं। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना, सामने ये है पार्किंग, ये पार्किंग का एरिया है, जो लोग अपनी पर्सनल व्हीकल या फिर जो भी कैब वगैरह से आ रहे हैं वो है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चों के खेलने की जगह है पूरा का पूरा यहाँ पे, बाकी रास्ता भी और नीचे जा रहा है। तो गाइस सामने जो है ना, ये है बुल्ला लेक, वेलकम टू बुल्ला ताल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये है कैफेटेरिया, ये देखिए यहाँ पे कैफेटेरिया बना हुआ है, और ये एंट्रेंस है बुल्ला ताल की। बाकी यहाँ पे सामने भी आपको दिखा रहा हूँ, और इसकी एक जो टिकट लगती है आई थिंक कि 150 रुपीज़ की टिकट है। गाइस यहाँ पे जो है ना, लेक के बारे में लिखा हुआ है बुल्ला ताल, और आई थिंक ये जब इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में, उसका यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी और अवार्ड्स और फैसिलिटीज़ अवेलेबल वगैरह। बाकी अभी फॉर द टाइम बिंग जो है ना, क्योंकि वाटर लेवल डाउन है इस वजह से बोटिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन 50 रुपीज़ जो टिकट आती है उसमें आप जो है सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ पर वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि काफ़ी ब्यूटीफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जनरली एक काफ़ी अच्छा पार्क जो है बनाया हुआ है बैठने के लिए, सिटिंग अरेंजमेंट भी है यहाँ पे चारों तरफ। ले लिया। तो बाकी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा, इधर काफ़ी जगह पे छोटी छोटी बड़ी बड़ी जो है सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है, और नेचर के साथ पूरा इंजॉय करते हुए, ये लेक साइड एरिया है पूरा। इस समय मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, आप देख ही सकते हैं, अभी मैं दिखा भी रहा था आपको, और लेक काफ़ी जो है बड़ी है, तो एक्सप्लोर करते हैं। देखिए गाइस, एक यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स एंड पालतू जानवरों से छेड़छाड़ ना करें, और यहाँ पे कबूतर है काफ़ी सारे, और रैबिट्स भी है, काफ़ी सारे रैबिट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, और वो देखिए सामने वो सो भी रहे हैं, और बाकी ये देखिए वाइट, ब्लैक एंड वाइट रैबिट है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो सामने पूरा मैप दे रखा है यहाँ पे, जो भी लैंडस्टोन का मैप है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखा रखा है कि यहाँ पे कौन कौन सा डिस्टेंस पे क्या क्या पड़ेगा। और इस रास्ते के दोनों साइड में जो है ना गमले और पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। वो रास्ता जो है पूरा आप ऐसे लेक के चारों तरफ घूम सकते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रैम्पलिन लगा हुआ है बच्चों के लिए, तो बच्चे यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना पत्थरों से यहाँ पे लिखा हुआ है बुल्ला ताल, और पत्थर जो है उनको कलर कर रखा है वाइट कलर से, ताकि यहाँ पे आपको ये दिखाई भी दे। और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ये लिखा है जय बद्री विशाल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है,
पास से आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा दूर आप आओगे तो दिखेगा। और यहाँ पे आर्करी भी दे रखी है, आर्करी का कुछ प्राइस है 20 रुपीज़ जो गाइस ये इसका प्राइस है, बाकी टेम्पलिन का 10 रुपीज़ जो है पर चाइल्ड है। और देखिए गाइस यहाँ पे भी जो है बोट्स लगी हुई है, मैंने बताया था ना कि पानी का लेवल कम है जिस वजह से बोट्स तो अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी आप यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, यहाँ पे बैठकर आप व्यू कर सकते हैं पूरी की पूरी लेक को जो यहाँ पे ऐसे है सामने, ये देखिए। तो ये गाइस मैं लेक के साइड में चल रहा हूँ आपको दिखाते हुए, और बहुत ही प्लीजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत पीसफुल है सब कुछ चारों तरफ। और यहाँ पे जस्ट जो है लेक के बीचों बीच एक ब्रिज बना हुआ है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये देखिए ये मेटल का ब्रिज है पूरा जो उस साइड तक जाता है। और ये आप देखिए व्यू यहाँ पे, ये लेक का व्यू है पूरा का पूरा, मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा मौसम है, आप यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, देखिए ये देखिए पूरा का पूरा लेक का एरिया है ऐसे, और चारों तरफ हरियाली वहाँ तक पूरा, और काफ़ी अच्छा दूर तक बड़े बड़े जो चीड़ के पेड़ है वो ऊपर तक जाते हुए, और काफ़ी अच्छा सेकंड। तो गाइस ये देखिए ये उधर से ना ऐसे जो बना हुआ यहाँ पे बीच में पानी के लिए जगह, ये यहाँ से ऐसे होता हुआ और नीचे से जो होता हुआ सामने चल जाता होगा लेक पे, तो अगर बारिश होती है तो सारा पानी नीचे होता हुआ लेक को भर देता होगा। बाकी एक व्यू पॉइंट ऊपर है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये एक हाईएस्ट कह सकते हैं एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ से लेक का व्यू दिख रहा है, बाकी ये पेड़ बीच में आ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको पूरा सब दिख सकता था, लेकिन ये भी काफ़ी ऊंचाई पे है। तो गाइस ये तो था भुल्ला ताल, अभी आगे चलते हैं, अभी फ़िलहाल से थोड़ा सा बैठता हूँ यहाँ पर, बाकी व्यूज़ बहुत अच्छा है, मैंने आपको दिखाया कि चारों तरफ जो है ये देखिए पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का सारा पेड़ों से घिरा हुआ। ये देखिए गाइस अभी धूप हो गई है, बहुत सारी धूप हो गई है, अभी बादल थे बहुत सारे, धूप हो गई है, और लेक में यहाँ पे आपको ये डक्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डक यहाँ पे हमेशा रहती है जब भी बोटिंग करते हैं, वो देखिए उस साइड में, ये देखिए वहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पर वाइट है। तो गाइस जब आप जो है भुल्ला लेक को जो पूरा घूम लेंगे ना तो आपको एग्ज़िट पॉइंट जो है वहीं से मिलेगा जहाँ से आप इस ब्रिज से आए थे, तो यहाँ से होते हुए वापस चलते हैं और एग्ज़िट करते हैं। गाइज अभी जो है ना भुल्ला ताल से जस्ट लेफ्ट साइड में एक टर्न जा रहा है जो सेंट जोसेफ चर्च स्कूल है उसके साथ होता हुआ, और वो आपको जो है ना पैदल रास्ता है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पैदल रास्ता जो है ना ऐसे करके और आगे की तरफ लेकर जा रहा है, तो ये जो है ना ये आपको लेकर जाएगा टिप एंड टॉप पॉइंट की तरफ, तो उधर चलते हैं और देखते हैं कि कितना दूरी पर जो है जाके हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं। बाकी चारों तरफ शांति है और पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल जो है रास्ता है, थोड़ा सा ऊंचाई का भी है, और वो देखिए गाइस वो सामने जो है ना भुल्ला ताल का एरिया है वहाँ पे, ये जो है मैं आपको बता रहा था हम ऐसे यूँ घूमते हुए और ऐसे घूमते हुए फिर इस रास्ते पर हम ऐसे आए, ये देखिए दो रास्ते हैं जो एक उस साइड से था एक साइड से था, तो मैंने जो है भुल्ला ताल वाला जो बिल्कुल नेक्स्ट है वो लिया है, थोड़ा सा ट्रैकिंग टाइप का रास्ता है जो थोड़ा सा ऊंचाई पे है।
गाइस ये जो आ गया ना, ये आ गया सेंट मैरीज चर्च। ये देखिए, और टिप एंड टॉप को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पे आए। वहाँ उस बोर्ड पे लिखा हुआ है टिप एंड टॉप का रास्ता जो है अभी और उधर की तरफ है। तो फिलहाल ये आ गया चर्च। गाइज ये जो है ना फुली फंक्शनल चर्च है, तो यहाँ पे लोग आते हैं तो प्रे भी कर सकते हैं यहाँ पे आके। तो इसलिए अंदर का मैंने आपको वीडियो ज़रूर दिखाया था, लेकिन मैं और अंदर कुछ बताया नहीं। बाकी लोग आते हैं यहाँ पे, और ये ब्रिटिश टाइम से बना हुआ है और ये अभी भी फंक्शनल है, और उसमें टाइमिंग्स भी दे रखी है। अभी हमारी टिप एंड टॉप की जो सर्च है अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो अभी वो सामने मैंने दिखाया था वहाँ पर मार्किंग कर रखी है और आगे जाने के लिए। तो चलते आगे, और यहाँ पे जो है संतोषी माता मंदिर भी है और सूर्यास्त पॉइंट भी है वहाँ पे। और गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सूखे पत्ती है ना, इनके कलर जो है बिल्कुल चेंज हो चुका है, और उस वजह से जो पूरा नीचे का एरिया है ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये सारा एरिया जो है ना बिल्कुल येलोइश हो गया ये इन सारे पत्तों की वजह से, और ये अलग ही टेक्स्चर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा देखिए, यहाँ से लेके ना पूरा यहाँ तक, पूरा आगे तक जो है रोड तक जाते हुए सारा का सारा आ रहा है। और सामने ऊपर सूरज है, और उधर सनसेट पॉइंट में भी अगर हुआ तो अभी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये भी पूरा का पूरा येलो शो रखा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बारिश होती होगी तो समय बहुत अच्छा लगता होगा। और सूखे पत्तियों के बीच में जो है यहाँ पर ग्रीन लीव्स भी आई हुई हैं बीच बीच में काफ़ी सारी। ये देखिए पूरा का पूरा। तो गाइस एक और बात बता देता हूँ आपको, जो लोग पैदल आ रहे हैं ना गाइस, तो उनकी हालत ख़राब होने वाली है। हम आए थे भुल्ला ताल से होते हुए ट्रैक करते हुए, और काफ़ी हाइट पर हम आ गए। टिप एंड टॉप अभी बहुत दूर है। जो लोग पर्सनल व्हीकल से और फोर व्हीलर से आ रहे हैं ना, उनके लिए तो ओके है सब कुछ, लेकिन अगर आप पैदल आ रहे हो ना, तो पैदल आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी काफ़ी स्ट्रगल होगा। ये देखो यहाँ सारे खड़े पहाड़ हैं, और ऊपर सामने जो है ना ये एक खड़ी पहाड़ी, यहाँ पर एक ही पत्थर है। देखो कितना आराम से यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया है एज इट इज़ पूरा। बाकी ये सारे देखिए पूरा जंगल जो है, पूरा ये जो फॉरेस्ट है नीचे तक यहाँ पे पूरा येलो हो रखा है चारों तरफ से। तो गाइस एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप जब भी हिल स्टेशन आ रहे हैं, तो गाइस जैसे कि मेरे हाथ में ये बोतल है, तो इन बोटल्स को आप जो है डस्टबिन में डालें, ना कि इधर उधर कूड़ा फैलाते रहें, क्योंकि हमारे जो ये पहाड़ हैं सारे, वो सब अपनी खूबसूरती और साफ़ सफाई के लिए जाने जाते हैं। तो कोशिश की जाए कि पूरे एरिया को आप साफ़ सुथरा भी रख सकें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ और सारी जगह पे कूड़ा फैला कर और आप इधर उधर चले जाएं। तो कोशिश की जाएगी जो प्लेस है कहीं पर भी आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे सफाई का और क्लीननेस का ध्यान रखें। और तो गाइस फाइनली वहाँ पे लिखा हुआ है टिप एंड टॉप, और एरो बना उस साइड। तो फाइनली गाइस हम आ गए यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है देखिए, प्रति व्यक्ति जो है 20 रुपीज़ है, बाकी कूड़ा वगैरह नहीं फैलाना यहाँ पे।
और सफाई का ध्यान रखें। तो गाइस ये आ गया टिपिन टॉप का रास्ता और ये देखिए व्यूज़ तो यहाँ पे आ रहे हैं, आपको पता लग ही गया होगा इतनी ऊंचाई पे तो ऑलरेडी हम आ गए। या देखिए यहाँ पे भी आप कुछ बच्चों का कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो भैया ये आ गए हम टिपिन टॉप पॉइंट पे गाइस, और फिलहाल वो उस तरफ है, वहाँ सामने है, उधर चलते हैं। फाइनली इतना ऊंचाई पे चढ़ना जो है बेकार नहीं गया। ये देखिए ये देखिए गाइस, और ये आ रहा है व्यू यहाँ पे। अभी और आगे लेके चलता हूँ टिप एंड टॉप पॉइंट का। और गाइस ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ से पूरे जो है माउंटेन्स आ रहे हैं, वो देखिए सामने ना पूरा रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इधर से है। अब अगर आसमान थोड़ा सा क्लियर होगा तो आपको और अच्छा दिखाई देगा। और ये देखिए यहाँ पे जितने छोटे छोटे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना सारे, ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये टिपिन टॉप पॉइंट, यहाँ से आप नीचे तक देख सकते हैं। ये देखिए तो गाइस ये था टिपिन टॉप पॉइंट। तो गाइस एक जो है ना, ये पीछे भी जो है मेरे एक ये बना हुआ है ग्लास का चैम्बर टाइप का, लेकिन टिपिन टॉप ये है तो नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। वो आपको उस वाले रोड पे जाता है तो थोड़ा सा आगे जाके 100-150 मीटर की दूरी पर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अंदर आप जाके अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, सेल्फी पॉइंट है वो। तो गाइस देखिए एक ये भी ना छोटा सा जो यहाँ पे चैम्बर बना हुआ था ग्लास का पूरा, ये देखिए मैंने बाहर से दिखाया था आपको, और यहाँ से भी जो है व्यू आता है, लेकिन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू आ रहा है यहाँ पे, देखिए सारा का पूरा व्यू यहाँ से भी है, और ऊपर आसमान भी साफ है, थोड़े बहुत बादल हैं। और गाइस ये देखिए यहाँ पे है सेंट मैरी चर्च, और इसके जस्ट यहाँ पे बिल्कुल जस्ट लेफ्ट में ये भी एक बहुत शानदार व्यू पॉइंट है, जो कि टिपिन टॉप जो पॉइंट है उससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा नीचे ज़रूर है, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब देखिए पूरा ये आगे कहीं रास्ता जाता हुआ, बाकी ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये पूरी माउंटेन की रेंज जो है ना, ये वहाँ टिपिन टॉप से भी दिख रहा था, और ये पूरा यहाँ तक स्प्रेड हो रहा है आगे। वो देखिए वहाँ सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए देखिए गाइस, तो एक ये भी है। आई थिंक इस पॉइंट को बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे होंगे टिपिन टॉप जाने के लिए, तो एक ये वाला पॉइंट है आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, ये है संजय शाही गार्डन सामने, और वो इस साइड में ना ये सारे बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये गार्डन है पूरा बहुत अच्छा, ये देखिए। और यहाँ पर जो भारतीय नौसेना है उसका एक विमान है, उसका पूरा जो है रेप्लिका यहाँ पे दे रखा है। और इधर जो है ये वाला जो रास्ता दिखा रहा है वहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखिए ये लेके जाएगा म्यूज़ियम की तरफ, अभी पता नहीं कि म्यूज़ियम खुला है कि बंद है। और यहाँ पे एक एरो जा रहा है ठंडी सड़क इस साइड में लिखा हुआ है, और ये व्यू पॉइंट है, तो ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर क्या है। ओके गाइस, तो यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है जो कि लिखा तो हुआ था वहाँ पे, ये देखिए ये ठंडी सड़क का रास्ता जा रहा है, इस पर भी मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। और ये भी एक वी पॉइंट है, पर
अभी इस समय मौसम साफ़ नहीं है, वैसे भी शाम हो चुकी है, कोहरा काफ़ी हो गया यहाँ पे, तो थोड़ा विजिबिलिटी कम है। अदरवाइज़ यहाँ पे काफ़ी क्लियर होता होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है मुझे वहाँ से, जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए उस साइड में नीचे का पूरा एरिया दिखा रहा है। बाकी ये जो है ना लैंसडाउन से बिल्कुल अपोजिट साइड की लोकेशन है, काफ़ी पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा शांत जगह है। ये देखिए यहाँ पे पेड़ कितना बेहतरीन लग रहा है ऊपर तक, ये देखिए इसकी नोक। अभी साइड में शायद इसे ठंडी सड़क बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी देखते हैं उधर से कौन सी लोकेशन दिखा रहा है। तो गाइस इधर की तरफ से वो देखिए ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, ये ठंडी सड़क की तरफ जा रहा है, काफ़ी ठंडा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन मेन अट्रैक्शन है कि यहाँ का लोकेशन, ये देखिए कितनी बड़ी चट्टान है यहाँ पे, वो देखिए काफ़ी प्लीजेंट एरिया। वो वापस व्यू पॉइंट जाने का रास्ता, कितनी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, डेफिनेटली। तो येट जो है एक और काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट आ गया जो यहाँ तक ख़त्म हो गया यहाँ पे, ये देखिए। और थोड़े बहुत नीचे किसी जो घर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, क्लियर नहीं है, ये देखिए, ये देखो। ये देखिए एक पूफ काफ़ी बड़ा जो है ना, पूरा ये पत्थर है देखिए यहाँ से लेके पूरा इतना बड़ा, और उधर जाने का रास्ता हो सकता है मैं भी आपको लेके जाता हूँ। तो देखिए गाइस ये यहाँ तक आगे तक सड़क जा रही है, मुझे पता नहीं कहाँ है फ़िलहाल, ये देखिए। लेकिन यहाँ का जो ये देखिए नीचे तक बेहतरीन व्यू है यहाँ पे पूरा, थोड़ा और आगे जाके दिखाता हूँ। आई थिंक ये कोई रास्ता हुआ करता था, शायद डैमेज हो चुका है, अभी सिर्फ जो लाइन है वो ही यहाँ जा सकते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ये देखिए व्यू, कोई नहीं 2 मिनट आगे जाके वापस आऊँगा। तो गाइस सेफ्टी फर्स्ट, थोड़ा सा आगे जाते हैं फिर वापसी आते हैं। आप ही देख ही सकते हैं काफ़ी स्टीप है यहाँ पे और काफ़ी संकरी रास्ता है, ये देखिए। और ऊपर देखो खड़ी चट्टान है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चट्टान, कुछ भी हो सकता है, एरिया उतना सेफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। तो काफ़ी आगे तक है, मैं आगे जाऊँगा नहीं बिकॉज़ मैं फैमिली के साथ आया हुआ हूँ, अभी वो लोग उस तरफ है। और नीचे का व्यू देखिए गाइस, बिल्कुल बेहतरीन व्यू है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा व्यूज़ आ रहा है, काफ़ी दूर तक है। मैं आपको थोड़ा सा एडवेंचरस वे पे दिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में अभी तक मुझे कोई बंदर वगैरह दिखाई नहीं दिए। लैंसडाउन में अच्छी बात है कि यहाँ पे बंदर नहीं थे। आप अगर मसूरी शिमला जाएंगे ना, वहाँ पे बंदर जनरली होते हैं। ये देखिए ये रास्ता वहाँ तक जा रहा है, और मैं आपको बताऊँ ये अगर मैंने रास्ता अभी जब मैं वापसी लौटूंगा तो अगर मैं दिखाऊंगा तो सब कहेंगे कि यार इतनी दूर। ये देखिए वो रास्ता ना बिल्कुल वहाँ तक जा रहा है, ये देखिए ये साथ साथ पाइप के साथ साथ एक सड़क जा रही है, और ठंडी सड़क मुझे लग रहा है इसलिए बोलते होंगे क्योंकि जब यहाँ से रास्ता जाता होगा ना, कोई लोग जाते होंगे तो पूरा जो इलाका है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है ये सारा इलाका भरा हुआ है कोहरे से या बादलों से, तो उस समय काफ़ी ठंडा हो जाता होगा। अभी भी नॉर्मल हो रखा है टेम्परेचर यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल खड़ी चट्टान सामने है मेरे जस्ट ऊपर, देखिए ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए एक अमेजिंग चीज़ है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इस लाइफ में, और बहुत लोग आते नहीं होंगे यहाँ पे। ये देखिए ये चट्टानें कितनी बेहतरीन लग रही है और उतनी ही डेंजरस भी है, क्योंकि ये सब जो है
बहुत नाजुक है और ये नीचे गिर सकते हैं कभी भी, स्लाइड यहाँ पे होना आम बात होगी। और तो यहाँ पे गाइस क्योंकि ये आर्मी एरिया है तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई इलीगल एक्टिविटी या फिर कोई और तरह का ख़तरा, लेकिन एक्चुअली में नेचर जो होता है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ख़तरा होता है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यह रास्ता, ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये इतना सा रास्ता है जो पूरा ये इधर स्लाइड होने वाला, आई थिंक ये थोड़ी दिनों बाद ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि गढ़वाली जो म्यूज़ियम है वो खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ। ये देखिए ये भी पहाड़ी कितनी बेहतरीन है, लेकिन ये स्टीप है बिल्कुल ये उस तरफ जाती हुई, और अमेजिंग व्यू। अभी शाम हो चुकी है और ये देखिए मुझे ये पेड़ देखिए कितना शानदार लग रहा है। तो गाइस ये मैंने आपको दिखा दी थी ठंडी सड़क। एक्चुअली मैं अभी शाम हो चुकी है, हम थोड़ा आने में लेट हो गए थे इधर से। ये देखिए उधर भी काफ़ी अच्छी सीनरी क्रिएट हो रही है और फॉरेस्ट यहाँ पे देखिए, ये जो पेड़ है कितने शानदार लग रहे हैं, रात में थोड़े अजीब से भी लगते होंगे लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया। ये देखिए गाइस अभी इस टाइम पर पूरा का पूरा जो है ना ये एरिया डेंस हो गया, और ये देखो सामने अभी ये जो जेट है ये दिख ही नहीं रहा बिल्कुल, वो पार्क जो है ना पूरा जो है फॉग से भर गया। ये देखिए पूरा एरिया ही फॉग से भर गया, ये देखिए। और आगे मैंने अभी आपको दिखाया था ना उस तरफ जाते हुए, वहाँ पे तो फॉग बहुत ज़्यादा हो रखा था और यहाँ तो अब दिख ही नहीं रहा कुछ। तो गाइस ये देखिए जो गढ़वाली रेजिमेंट है उनकी जो रिस्पेक्ट के लिए और उनके सम्मान को देखते हुए जो है ये पूरा एरिया जो है ना उन्हीं को डेडिकेट किया हुआ है। ये देखिए सोल्जर्स जो है जिन्होंने अपने टाइम में वॉर के टाइम में बहुत सारी लड़ाइयों में अपना जो है सहयोग दिया है वहाँ पे, और उसके साथ में ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया वो वाला हिस्सा जो है लैंडस्टॉर्म जाता है, ये वाला हिस्सा जो है वापस गढ़वाली मैस और म्यूज़ियम और ठंडी सड़क जो है उस तरफ जाता है, तो ये मैंने आपको भी दिखाया था यहाँ पर। और अभी कोहरा उधर से छट गया है और अब चलते हैं हमने वापस लैंडस्टॉर्म की तरफ, आगे चलते हैं। ओके गाइस तो सुबह के लगभग 8:30 बजने वाले हैं। अभी ना मैं दुर्गा माता मंदिर है और महाकालेश्वर मंदिर पड़ता है, वहाँ दो जगह मैं जा रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैं ना इस समय ये इसको धर्मशाला बोलते हैं, और आपको बता देता हूँ वो उस तरफ से वहाँ से लैंडस्टॉर्म का जो मेन होटल वाला एरिया है ये पड़ता है ऐसे करके अगर आप राइट जाते हैं, तो मैं उस तरह ही आ रहा हूँ। और अभी महाकालेश्वर मंदिर जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, मेरा चेक इन चेकआउट करने का टाइम भी 11 बजे का करीब है, तो उससे पहले जो है ये दो जो लोकेशन है मैं कवर करता हूँ जल्दी से। और किसी ने बताया था कि रास्ता उधर से जाता है, तो आगे चलते हैं यहाँ से और कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी पहुँचने की क्योंकि टाइम कम है। और आई थिंक कि मैं आपको जो है ना गढ़वाली मैस भी दिखा पाऊँगा अगर, क्योंकि रात को वहाँ कोहरा हो गया था जिस वजह से वहाँ जा नहीं पाए थे। आई थिंक गाइज यहाँ से जो है ना ये जो दोनों साइड में रिबन्स बंधे हुए हैं ये मुझे मंदिर की तरफ ही ले जा रहे हैं, तो आई होप कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। तो गाइज देखिए रास्ते कितने मस्त हो रखे हैं और मंदिर आई थिंक कि उधर आ गया है। ये भैया जी मंदिर का रास्ता है, ठीक। तो गाइस ये देखिए ढलान पे जाते हुए ना, और ये देखिए इस साइड में कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे, फॉग अभी भी उस साइड में है चारों तरफ, और ये काफ़ी ग्रीनरी यहाँ पर है, एक झूला भी लगा हुआ छोटा सा लोकल्स के लिए। और ये रिबन्स देखिए रास्ता दिखाते हुए उधर लेके जा रहे हैं, और इधर आई थिंक यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके घर होंगे। और अच्छी बात है कि मैं अभी फैमिली के संग नहीं आया क्योंकि बेटा जो है वो सो रहा था। और ये ढलान काफ़ी एकदम स्टीप ढलान है, ये देखिए
ये देखिए गाइस, उधर एक रास्ता जा रहा है वहाँ पे, और इधर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये खुला हुआ है थोड़ा सा यहाँ से। ये जो है रास्ता मंदिर का, ये ऐसे होता हुआ वहाँ तक जा रहा है। और ये मंदिर की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ, तो ये कालेश्वर महादेव का मंदिर आ गया। ये देखिए, जूते कहाँ उतारने हैं पंडित जी? तो गाइज ये है जय कालेश्वर महादेव का मंदिर, जो आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं रुकूंगा नहीं, और मैं आपको दिखाना चाहता था। ये देखिए बिल्कुल शांत जगह है यहाँ पे। ये सामने रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है। इसका कुछ चार्ज भी है अंकल जी? चार्ज भी है इसका कुछ? अच्छा, आर्मी वालों के लिए। अच्छा, उनके लिए, आर्मी वालों के लिए है गाइज ये, अभी मेरे को अंकल जी ने बताया था। और ये पूरा कंपाउंड जो है मंदिर का है। अच्छा, और ये सामने है ही बाकी, और एक मंदिर हो रहा है, दुर्गा माता मंदिर है। अरे वो आगे वो सुंदर मंदिर है, वो यहाँ से जाओ। अच्छा, यहीं से? तो देखिए गाइज, इधर भी ना छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। अब जूते पहन के चलो। समाधि है। अच्छा, जो पुराने बाबा थे ना। हाँ जी, हाँ जी, उनकी समाधि है ये। अच्छा, ये जो है वो, ये देखो नाम भी लिखा हुआ है। तो गाइज ये जो है ना, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री कितने 100 कुछ लिखा है हिंदी में, कालेश्वर मंदिर के महंत ब्रह्म 108 कालेश्वर मंदिर के महंत स्वामी कल्याणन कल्याण गिरी जी की समाधि है गाइज ये, जो यहाँ पे है। और एक पीछे भी है शायद, तो दो यहाँ पर। अच्छा, ये अच्छा, और यहाँ पे एक और मंदिर है, और ये भी मंदिर है गाइज, ये शनि देव का। ये बीच में क्या? अच्छा, ये जो पिलर बना हुआ है, ये पंडित जी ये क्या बना हुआ है? अच्छा, शिला जो है वो है, ठीक है। तो ये बीच में बनी हुई है गाइज, तो ये आप आ सकते हैं यहाँ। तो गाइज ये है मंदिर, और इधर से उन्होंने बताया है कि दुर्गा माता मंदिर जो है आगे पड़ेगा। बहुत सी खूबसूरत लोकेशन है, ये देखिए सामने ऊपर ये पहाड़ सारे, कितना बेहतरीन लग रहा है आपको दिखाते हुए। और जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये रहा मंदिर, और चलते हैं। वाह, ये रास्ता जा रहा है पहाड़ी का सामने, आई थिंक यही बताया था उन्होंने, ये चल रहा है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और आपको आगे कर दिखाते हैं। ये देखिए मेरे चारों तरफ ना पूरी ग्रीनरी है, ये देखिए चारों तरफ। तो ये भी सीधी खड़ी चढ़ाई है, और क्योंकि इसको प्लेन कर दिया गया ना, तो थोड़ा सा आसान हो रहा है आपको। और मेरी तो थोड़ी सी सांस फूल गई, क्योंकि देखिए मैं वहाँ से कितनी जल्दी से वहाँ था, मैं यहाँ आया हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये रोड आ गया, उधर बताया था जाने का, एक बार इनसे पूछता हूँ। इधर से आप जाएंगे ना? अच्छा, ये सर्किल रोड है, सर्कल है पूरा। अच्छा, ऐसे करके लेफ्ट साइड में, ठीक, थैंक यू। तो गाइस, किसी ने मुझे बताया था कि ऐसे घूमते हुए जाएंगे ना तो मंदिर मिलेगा वहाँ पे, तो अभी तो दिख नहीं रहा है, और शायद थोड़ा सा और आगे चलते फिर दिखाई देगा।
तो मैं कह रहा था कि ब्लॉगिंग अपनी जगह है, और बाकी जब भी आप किसी धार्मिक जगह पर आते हैं तो उस धार्मिक जगह की पूरी तरह से आपको उस जगह का सम्मान करना चाहिए और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर कहीं पर आपको लगता है कि वीडियो वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं है तो आप नहीं बनाइए, कोशिश यही कीजिए। आपको थोड़ा सा मंदिर के पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ, कोई है। और ये देखिए गाइस, ये मंदिर का कंपाउंड है। मंदिर 8 बजे खुल जाता है और आप देखिए चारों तरफ बेहतरीन फोग है यहाँ पे। और ऐसा फोग आपको गाइस इस टाइम पे जून जुलाई के महीने में आपको नहीं मिलेगा मसूरी और नैनीताल में भी। ये देखिए मंदिर चारों तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है, बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए, और हवा चलने लगी है और उसके साथ साथ में फोग जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आप इसे फोग कह लीजिए या बादल बोल लीजिए, क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं इस वजह से। ये देखिए अब यहाँ से एकदम शानदार लग रहा है मंदिर पूरा। तो गाइस जल्दी से चलते हैं अब दूसरी जगह पे। तो जब आप अभी अब यहाँ पे खड़े हैं, ये देखिए ये पेड़ जो है काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है, मंदिर वहाँ है मेरे सामने। प्लस वाइड एंगल पे दिखाता हूँ, ये देखिए। और मुझे जो है ना अपने कानों में आर्मी रेजिमेंट के म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही है, बैंड की। जो आगे देखिए बिल्कुल विजिबिलिटी डाउन हो गई है फॉग की वजह से। और आपको एक और इंटरेस्टिंग थिंग बताऊँ, मैं पेड़ों के नीचे चल रहा हूँ ना तो बारिश महसूस हो रही है मुझे, लेकिन अगर मैं पेड़ों से अलग हट जाता हूँ तो यहाँ मेरे को एक बूंद भी पानी मेरे ऊपर नहीं गिरता। तो ये जो फोग है ना पेड़ों से टकरा कर और फिर वो गिर रहा है, बारिश का एहसास हो रहा है। तो गाइस अभी मैं ना आपको लेकर आ गया हूँ जहाँ रात को काफ़ी फोग हो गया था। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक मंकीज को ना खिलाएं का बोर्ड लगा हुआ था, इसी रास्ते पे आगे मिलेगी चर्च। पूरा इलाका कितना बढ़िया लग रहा है, पेड़ ही पेड़ हैं और सारे हरे हैं, उनके ऊपर एक पेड़ों के ऊपर ना एक तरह की ग्रीन काई जम गई है, ये देखिए यहाँ पे। तो इससे ये कलर और भी ज़्यादा ग्रीन हो चुके हैं। और ये देखिए एक शानदार टैंक यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है, चर्च का भी कुछ पता नहीं है। और बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने चर्च के चक्कर में इधर आने की। अब मुझे वहाँ पे जो है वो देखिए सामने वहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है सेंट जॉन्स चर्च। चर्च दिखाने का मेन मकसद ये था कि एक तो आपको लैंसलोन के जो मेन फेमस जगह है वो वहाँ पर ले जाने का। ये जो चर्च है आई थिंक ये एज अ म्यूज़ियम यहाँ पर रखी हुई है। तो गाइस ये है चर्च का एंट्रेंस, मैंने आपको दिखाया। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम चर्च पे, इतनी देर तक पैदल चलते चलते आई थिंक। और अभी तो चर्च बंद है, ये देखिए। और यहाँ चर्च के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए। बाकी चर्च अभी बंद है। और गाइस देखिए ये जो है ना ये सेंट मैरी और जीसस क्राइस्ट की जो है यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, ये देखिए पूरा। लेकिन मैंने बताया ना कि चर्च खुली नहीं हुई है, कोई है ही नहीं यहाँ पर। और फिलहाल आना थोड़ा सा जगह तो मैंने देख ली, लेकिन फ़िलहाल कुछ सब कुछ तो यहाँ पे बंद है। और अब मुझे ढूँढना पड़ेगा एक शॉर्टकट जो कि किस साइड से मिलेगा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो गाइस मैंने जो है ना एक लिफ्ट ले रही थी किसी से, क्योंकि ये देखिए रास्ता वही है कल आए थे जो सेंट मैरी चर्च में। और इधर से होते हुए अब जल्दी से हम वापस कल वाले रास्ते से शॉर्टकट लेते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि अगर आप सेंट जॉन चर्च सिटी वॉक की तरफ से आएंगे तो भाई साहब भूल के भी पैदल मत चल लेना, नहीं तो पैर तुड़वाने वाला काम हो जाएगा और इतना चलना पड़ेगा ना आप जिसका आप सोच नहीं सकते। वैसे तो ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं और अपने व्हीकल से या फिर
जो टैक्सी है वो करके आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी पैदल ना। और अगर पैदल आना भी चाहते ना तो आप जो है लैंडस्डाउन से जो मार्केट का लेफ्ट वाला हिस्सा है वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं। तो गाइस मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि मैं जो है ये मेन जो है रिजोर्ट है यहाँ पे पूरा, और हम जो ठहरे हैं गाइस हम बहुत सामने वाला जो रिजोर्ट है हम वहाँ पे ठहरे हैं। ये है होटल लेंस ब्लू, मैं ऊपर दिखाई रहा हूँ आपको, तो काफ़ी ठीक ठाक लगा मुझे फ़िलहाल। और ये मार्केट के बिल्कुल पास में है तो आप इधर ठहर सकते हैं, बाकी होटल्स यहाँ पे इधर ही है। इससे पीछे जो मैं वहाँ से आ रहा था ना वहाँ पे कुछ मिलेगा। तो गाइस ये था सफ़र लैंडस्डाउन का, वो देखिए लैंडस्डाउन का चौक पूरा का पूरा ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का। और फिलहाल हम वेट कर रहे हैं बस की, या फिर कोई और ऑप्शन मिल जाए तो अच्छी बात है। और पीछे है वो टैक्सी स्टैंड वहाँ पे सामने की तरफ, वो जो है पूरा ये है जो सामने है ना ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर जो है देहरादून वगैरह साइड की बसें मिलती है, जीप मिलती है। और अगर आपको कोटद्वार के लिए अगर बस लेनी है ना तो उसके लिए आपको वहाँ पे उधर वो उस साइड से जो है ना कोटद्वार के लिए आपको जीप मिल जाएंगी शेयरिंग वाली, बाकी जो कि 100 रुपीज़ पर सवारी लेती है। और अगर आपको जाना है टैक्सी में तो टैक्सी जो है गाइस 1500 रुपये लेती है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो 1500 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है। वो सामने जो है वो है मार्केट है, वो ये पूरी मार्केट है, उधर होटल है। अब सबसे पहले जब आते ना तो वहाँ पे बस जो है रुकती है और आप जो है होटल्स वगैरह वहाँ पे ले सकते हैं। तो यहीं पे एक गिने चुने होटल है जो यहाँ पर है और एक तो उधर मिल जाते हैं, तो बस यही जो। और ये जो है ना ये लैंडस्डाउन का चौक है पूरा का पूरा, ये ऐसे राउंड करके बीच में एक पार्क बना हुआ है। लगभग 11:30 बज चुके हैं, अब देख रहे हैं बस का टाइम जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बस जो आती है कोटद्वार के लिए वो लगभग लास्ट बस जाती है 10 बजे की, और अभी हम काफ़ी लेट तो हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है अपने पास जाने का। एक लास्ट बस कह रहे हैं जो कि आएगी लगभग 12 बजे करीब आएगी, अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन हमारी जीप की हो जाएगी। तो वीडियो यहाँ पर अभी हम समाप्त करते हैं, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने लैंडस्डाउन के ना काफ़ी सारी लोकेशंस आपको काफ़ी अच्छे से मैंने दिखा दी है। तो अगर वीडियो पसंद आया गाइस तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये मेरा पहला वीडियो है आउट ऑफ दिल्ली का, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपको बता देता हूँ लैंडस्डाउन का काफ़ी अच्छा। और ये जो कि आपको मसूरी और नैनीताल में इतना अच्छा जो है मौसम नहीं मिलेगा कहीं पर भी, आपने पूरे वीडियो में देख लिया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।